हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टूर गाइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रयागराज काली घाटी के बारे में बताऊंगी। एडवेंचर से भरपूर यह उत्तर प्रदेश की बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, जहां आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में घूमने फिरने के लिए एक से एक बढ़कर एक प्लेस है, जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं काली घाटी के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है, जो अपने हिस्ट्री और टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, बनारस जैसी धार्मिक नगरियां मौजूद है। यहाँ हर रोज काफी सारे लोग यहाँ आते हैं। प्रयागराज जहाँ का फेमस इलाका है दोस्तों, और आज मैं आपको प्रयागराज के फाफामऊ में मौजूद एक टापू के बारे में आपको बताऊंगी। यह ठाकुर प्रयागराज जाने वाले टूरिस्ट की पहली पसंद बन गया है। यह जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और इसे काली घाटी के नाम से भी पहचाना जाता है। और यहाँ की नेचर एनवायरमेंट भी बहुत ही ब्यूटीफुल है और देखने लायक है दोस्तों। यहाँ पर काली घाटी का काली माता का मंदिर भी है। काली घाटी की ऊंचाई पर जब आप चलेंगे तो यहाँ पर काली माता का मंदिर मौजूद है, जहाँ पहुंचने का रास्ता पूरा मिट्टी का बना हुआ है, जहाँ आधी सीढ़ियां पक्की बनी हुई है दोस्तों। चढ़कर आप सबसे पहले ऊपर चले जाइए और माता का मंदिर के दर्शन कर लीजिए, और आसपास का खूबसूरत नजारा भी देखने लायक है, तो वहाँ भी जरूर देखिए दोस्तों। काली घाटी एडवेंचर के लिए काफी जानी जाती है। काली घाटी प्रयागराज में एडवेंचर के लिए पहचानी जाती है। यहाँ 40 फीट गहरे नाले के ऊपर पिलर के सहारे सीढ़ियाँ बनाई गई है और लोग इस पर से आते जाते रहते हैं। यह सीढ़ियाँ यमुना पुल पर स्थित नैनी ब्रिज को कॉपी करके बनाई गई है दोस्तों। तो अगर आपको एडवेंचर करना पसंद है तो यहाँ जरूर जाइए। काली माता मंदिर के कारण प्रसिद्ध काली घाटी का क्या कारण है मैं वो बताती हूँ। इस घाटी पर काली माता का मंदिर होने के कारण ही इसे काली घाटी का नाम दिया गया है। इस जगह का पूरा नाम काली घाटी बसा धाम है और काली माता के दर्शन के लिए काफी सारे श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ काली माता के साथ आप भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी देखने लायक है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ संतु भोलू लाल जी का आश्रम भी मौजूद है, जो आगे से बौद्ध भवन के रूप में बना हुआ है। इस आश्रम में रहके संतु भोला लाल जी भगवान का ध्यान करते रहते हैं। तो आप यहाँ भी जरूर जाइए, बाकी मंदिरों के दर्शन करिए दोस्तों। अगर आप आज से पहले यहाँ नहीं गए है तो एक बार जरूर जाके विजिट जरूर करें, आपको काफी अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।